Good morning students welcome in your English class today we are going to see our chapter number 4 it is a poem the topic of poem just imagine imagine means for a mental image of something that is not present or that is not the case so being imaginative makes you more creative and helps in problem solving skills. Being imaginative keeps the brain active and healthy. So, just imagine, written by Santini Govindan, is a widely published, award winning author of children's literature in English. She has written more than 50 books including poetry, picture books and short stories for children of all age. She is a dog lover and are enthusiast means Utsai, whose habits include collecting bales. So first stanza I read first you listen.

क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल तो आपको मालूम है एक वाटर एनिमल है सो क्रोकोडाइल हैड टू ब्रश देर टीथ क्रोकोडाइल उसके टीथ को आपको तो मालूम है क्रोकोडाइल को कितने मिनी टीथ्स है कि नहीं सो so, ये जो क्रोकोडाइल है वह अपने टीथ को ब्रश करती द वे आई डू एवरी मॉर्निंग एंड नाइट आपको तो मालूम है ब्रश ट्विस अ डे डे में टू टाइम करना चाहिए सुबह मॉर्निंग को एंड एट नाइट सो ये जो क्रोकोडाइल है ये मॉर्निंग एंड नाइट को अपने टीथ को ब्रश करती सो so, ये जो पोइट है वो कह रहे कि जस्ट इमेजिन द नंबर ऑफ टूथ ब्रश दे वुड नीड उस क्रोकोडाइल को मेनी क्या है टीथ है क्रोकोडाइज नीड अ लटॉप टूथ ब्रश टूथ ब्रशेस टू स्पार्कल द मेनी टीथ दैट दे, दे हैव सो so, उसको अपने टीथ स्पार्क करने के लिए स्पार्किंग में शाइनिंग करने के लिए मेनी ब्रशेस लगते और वो अपने जो टीथ है वो स्पार्कलिंग में शाइनिंग वाइट बनाती है नेक्स्ट आ if elephants had to use handkerchief every time they sneezed or had a bad cold just imagine how many hankies they would have to wash and iron and fold elephant elephant is a wild animal or elephant a big animal hai. or tall animal hai. so this elephant is... ये जो पोइट है वो जस्ट इमेजिन कर रहे कि ये जो एलिफेंट है उसने हैंडकरचिप यूज़ किए होते तो एवरी टाइम स्नीज मीज सीखना ये जो एलिफंट है ये हैड अ बैड कोल्ड जो बैड कोल्ड होता है ठंड होता है तो वो सिंकेंगे और सिंकने के बाद उनको मेनी हैंडकर चिप लगेंगे सो जस्ट इमेजिन हाउ many हैंकीस दे वुड हैव टू वॉश एंड आयरन एंड फोल्ड उनको कितने हैंकीज़ लगेंगे इतना बिग एनिमल है तो इस elephant को वॉश करने आयरन करने और आयरन means प्रेस और उस हैंकर चिप को फोल्ड करने में कितना टाइम जाएगा और कितने हैंकर लगेंगे इस एलिफेंट को सो so, जब हम काफ करते हैं स्नीच करते हैं तो हम हैंकर चिप यूज करते हैं आपको तो मालूम है सो नेक्स्ट टांजा। इफ जिराफ हैड टू वियर टाइज अराउंड देयर नेक्स लाइक आई डू टू स्कूल एवरी डे जस्ट इमेजिन हाउ लॉन्ग दोज टाइज वुड बी एंड हाउ दे वुड डैंगल फ्लटर एंड स्प्रे सो so, ये जो जिराफ है जिराफ ये जो पोएट है वो जस्ट इमेजिन कर रहे हैं कि ये जिराफ ने टाई आपने नेक को टाई बांधा आपको तो मालूम है आप जब स्कूल जाते हो तो आप टाई बांधते हो बांधते हो कि नहीं सो so, इस तरीके से या लाइक आई डू टू स्कूल एवरी डे जैसे हम एवरीडे स्कूल जाते समय क्या करते हैं हमको टाई बांधना पसंद है लाइक like है तो हम क्या करते हैं हमारे स्कूल का जो यूनिफॉर्म है उस पर टाई बांधते हैं बट ये जो जिराफ है वो अपने नेक में गले में टाई बांधेगा तो जस्ट इमेजिन हाउ लॉन्ग दोज टाई वुड बी आपको तो मालूम है जिराफ ये टॉल एनिमल है बहुत टॉल एनिमल है ऊंचा है है कि नहीं सो इसीलिए उसको कितना बिग लॉन्ग टाई लगेगा एंड हाउ दे वुड डैंगल डैंगल मीन्स स्विंग और उसके गले में वो जो टाय है वो लटकता रहेगा इतना बड़ा टाय फ्लटर एंड स्वे स्वे मींस एक बाजू से दूसरी बाजू जाना उसका जो टाय है वो चलते समय इतना टॉल एनिमल है और वो चलते समय उसका जो टाय है वो क्या हो जाएगा फ्लटर एंड स्वे इधर से उधर क्या हो जाएगा फ्लटर हो जाएगा नेक्स्ट आंजा And centipede had to wear boots with laces and fastened and tied up tight. Just imagine what a tangle of legs there would be if just one of those laces wasn't done up right. Fasten means fix and tangle means मिक्स अप एंड ट्विस्ट सो ये जो सेंटिपीडी है जो सेंटिपीड है जिसे हम गोम बोलते हैं तो आपको तो मालूम है उसको मेनी लेग्स है जो गोम है सेंटिपीड है उसको मेनी लेग्स है और वो बूट्स मीन्स शूज वेयर करता तो विथ लेसेस के साथ आपके आपको तो मालूम है आपके जो शूज है उसको क्या है लेसेस है सो so, ये जो सेंटी है वो बूट या शूज़ वेयर करता तो उसको लेसेस जो होंगे तो वो कितने मेनी लेसेस होंगे मेनी बूट्स होंगे और उसको क्यों क्योंकि सेंटी को लेग्स मेनी है और वो जो फिक्स करता टाई करता पैक करता वो लेसेस वो बूट अपने लेग में जस्ट इमेजिन ऑट अ टैंगल टैंगल मीन्स मिक्सअप मिक्स हो जाते लेग्स देयर वुड भी उसके जो लेग्स है उसके जो लेग्स है वो बूट और लेसेस क्या हो जाते मिक्स हो जाते इफ जस्ट वन ऑफ दोज लेसेस वॉज डन अप राइट सो नेक्स्ट आंजा इफ चिल्ड्रन लाइक मी हैड विंग्स लाइक बर्ड्स विथ विच वी कुड फ्लाई एंड शो अप हाई जस्ट इमेजिन हाउ मेनी चिल्ड्रन दियर वुड बी जूमिंग अबाउट इन द स्काई सो लास्ट आंसा इसमें जो शोर शोर मीन्स क्या बहुत ऊपर स्काई में एयर में क्या करना फ्लाई करना जैसे एयरोप्लेन फ्लाई करता है जूमिंग मीन्स क्या बहुत ऊपर क्या करना आवाज़ करते हुए झूम ऐसा आवाज़ करते हुए क्या करना स्काई में जंप लेना और विंग्स तो आपको मालूम है बट जस्ट इमेजिन ये जो पोएट है वो कह रहे हैं कि चिल्ड्रन को विंग्स होते आपको तो मालूम है बर्ड्स को क्या है विंग्स इसीलिए बर्ड क्या करते हैं स्काई में फ्लाई करते हैं उनको विंग्स होते हैं इसीलिए बट चिल्ड्रन को विंग्स होते तो विथ विच वी कुड फ्लाई एंड एनश्योर अप हाई और जो चिल्ड्रन है उनको जो विंग्स होते तो वो क्या करते अप इन द स्काई में क्या करते फ्लाई करते ऊपर ऊपर क्या करते जंप लेते हाई इन इन द स्काई जस्ट इमेजिन हाउ मेनी चिल्ड्रन देअर वुड बी और इमेजिन कर रहे हैं ये पोएट जो है तो कितने चिल्ड्रन स्काई में क्या करते फ्लाई करते देखो यहाँ पे पिक्चर में मैनी चिल्ड्रन दिखाए है जब आपको तो मालूम है आपको कौन सी भी थिंग्स करने को न बोले हो तो आप करते हो और आपको विंग्स होते तो आपनी आपकी जो मदर है वो बोलती है फ्लाई मत करो बट आप उनका सुनते क्या नो no, फ्लाई करते तो इस तरीके से जो मेनी चिल्ड्रन है वो भी अपने मदर का सुनते नहीं और ऊपर स्काई में क्या करते फ्लाई करते जस्ट इमेजिन हाउ मेनी चिल्ड्रन देयर वुड बी जूमिंग अबाउट इन द स्काई जूम मीन्स आवाज करते हुए क्या करते वो जो स्काई है स्काई में क्या करते फ्लाई करते सो स्टूडेंट्स लर्न एंड रिसाइड दिस पोयम विथ एक्शन सो इस पोयम में कुछ राइमिंग वर्ड्स आए हैं राइमिंग वर्ड्स मीन्स एंड विथ जो वर्ड्स है वर्ड्स के एंड में जो सिमिलर साउंड है उसको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं सिमिलर साउंड वर्ड्स सो so, इस पोएम में कुछ राइमिंग वर्ड्स आए हैं सो so, फर्स्ट राइमिंग वर्ड इज टीथ एंड वाइट नेक्स्ट कोल्ड एंड फोल्ड कोल्ड एंड फोल्ड इस तरीके से आपको राइमिंग वर्ड्स फाइंड करने हैं और आपने नोटबुक में लिखने हैं सो थैंक यू सो मच